हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीटॉपर में। सो फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट बढ़ने की इंतजार कर रहे सभी छात्रों को तो मैंने कल शाम को ही वीडियो बनाकर अपडेट दे दिया था, विथ नोटिस बता दिया था और अपने आप को प्रूफ भी कर दिया था कि जो भी चीजें बताता हूं आपको, जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूं, विथ प्रूफ ऑथेंटिक न्यूज आपको देता हूं। और कल तो भैया मैंने आप सभी को वेबसाइट पर नोटिस जारी होने से पहले ही आपको नोटिस मैंने दिखा दिया था और बता दिया था कि जो डेट है वो बढ़ा दी गई है और क्या होने वाला, ये सब कुछ मैंने बता दिया था। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि ये नोटिस मुझे सोर्स के माध्यम से प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी नोटिस अपलोड नहीं होगा। ये नोटिस जो है कल आपको 16 तारीख को वेबसाइट पर देखने को मिलेगा और कल से ही वेबसाइट वापस से रीओपन भी होगी, फिलअप होना स्टार्ट भी हो जाएगा फॉर्म। तो दोस्तों, फाइनली आप लोगों ने कॉमेंट करके बोला था कि सर जैसे ही वेबसाइट रीओपन हो, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए दोबारा से, तो आप हमें प्लीज वीडियो बनाकर समझा देना। और आप लोगों ने यह भी कहा कि सर बिल्कुल आप बिल्कुल सही जानकारी देते हो। दोस्तों, आपको भी अगर लगे कि सर सही जानकारी देते हैं और कहीं ना कहीं डेट बढ़ने में हमारा सर ने मदद किया है, तो एक बार थैंक्स जरूर लिखना। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप सभी से यह भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ मैं आपको डीएलएड फॉर्म फिलअप में ही नहीं हेल्प कर रहा हूं, आपको डीएलएड के अंतिम सेमेस्टर तक मैं आपके साथ रहूंगा। डीएलएड के एडमिशन हो जाने के बाद में फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जाएगी, एक भी रुपया आपसे क्लास का नहीं लिया जाएगा। आप अगर अदर स्टेट के हो, आप कॉलेज नहीं जाओगे, तो भी आप घर बैठे हमारे चैनल से सभी के सभी सब्जेक्ट के सारे सेमेस्टर की क्लासेस अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, पैसा नहीं देना है, बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, तो आपका एडमिशन का भी अपडेट मिलता रहेगा। और एडमिशन हो जाने के बाद ना आपको इसी चैनल पर मैं आपको डीएलएड की हर एक सेमेस्टर की तैयारी भी कराऊंगा, क्लासेस भी कराऊंगा। तो एक बार लाइक कर देना इस वीडियो को, और जो भी लोग खुश हैं, अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसे ही सर सपोर्ट करते रहे, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं वेबसाइट पर और बाकायदा आपको ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट से डाउनलोड करके दिखाता हूं, जो कल मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था, और आपको शेड्यूल भी दिखाता हूं कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर आपको फॉर्म फिलअप में कोई भी समस्या आ रही है, अभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर लेना, मैं पूरी सहायता करूंगा आपका फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि ये लास्ट चांस मिला है फॉर्म भरने का। अगर अब गलती कर दिया, आप नहीं भर पाए, तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लो, सारी अपडेट देता रहता हूं, सबसे बात भी करता रहता हूं, सारे डाउट क्लियर करता रहता हूं। तो इंस्टाग्राम पर आप जुड़कर मुझसे हेल्प ले सकते हो, बात कर सकते हो, कौन सा कॉलेज सर बेस्ट है, कहां एडमिशन लेना चाहिए, कितनी फीस है, यहां कॉलेज लेना ठीक रहेगा नहीं, ये सब जानकारी, सारी गाइडेंस आप मुझसे ले सकते हो, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे गाइडेंस के अभाव में गलत कॉलेज चूज कर लेंगे और लूट जाएंगे, बहुत पैसा लिया जाएगा उनसे। तो एक बार मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर लेना, सर कौन सा कॉलेज सही है, मैं भी हेल्प कर दूंगा, मुझे कॉलेज पता रहेगा तो मैं एडमिशन भी आपका करा दूंगा विद पूरी फैसिलिटी के साथ में। तो इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ जाओ आप लोग, ठीक है। इसके साथ साथ भैया, जिन लोगों का फॉर्म गलत हो गया था, कोई भी गलती हो गई थी, वो लोग भैया करेक्शन का इंतजार न करो, ये जो दोबारा मौका मिला है फॉर्म भरने का, इसी में दोबारा रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल कर दो। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों, और यहां पर आप जाइए, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है, प्रूफ कर दूंगा। देखिए, गूगल पे आपको सर्च करना यूपी डीएलएड, जैसे आप सर्च करोगे पहली जो वेबसाइट आपको दिखेगी इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, मैंने बोला था 10 बजे के बाद वेबसाइट लाइव हो जाएगी। देख सकते हैं डीएलएड 2024 रजिस्ट्रेशन टाइम लिमिट 6 दिन 12 घंटे अभी भी बचे हैं, अब स्टार्ट हो गया फिर से, 6 दिन आपको और टाइम मिला है फॉर्म फिलअप करने का, फॉर्म सबमिट करने का, फॉर्म का नया रजिस्ट्रेशन करने का, सब कुछ आप 6 दिनों के अंदर करेंगे। अभी देखो वो जो नोटिस दिखाया था, वो नोटिस कहां आया है वेबसाइट पर, कल नहीं आया था, आज आ गया है। यहां पर क्लिक करोगे तो इंपॉर्टेंट दिख रहा है ना, यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन 2024, इस पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहां पर आप देखो एक नोटिस अभी डाउनलोड होगी, ये देखिए डाउनलोड हुआ, ये भैया आप पहचानो क्या, ये वही नोटिस है जो सर ने मुझे वेबसाइट से पहले ही कल दिखा दिया था। देखो ये वही नोटिस है ना, मैंने डेट भी दिखाया था, ये वही नोटिस थी जो मुझे सोर्स के माध्यम से मैंने पहले से प्राप्त कर लिया था आप सबको अपडेट देने के लिए। एक अकलौता चैनल है जो आपको वेबसाइट पर लाइव नोटिस आने से पहले आपको नोटिस मैंने दिखाया, कल रात में यही नोटिस आपको दिखाया था वीडियो में, और ये नोटिस आज वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। देख सकते हैं इसमें डेट बताया गया, आज 16 अक्टूबर से दोपहर से वेबसाइट जो है स्टार्ट हो जाएगी, वापस से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा, तो आज से आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जिन्होंने फॉर्म फिल किया, रजिस्ट्रेशन किया था, फॉर्म कहीं आधा अधूरा अटक गया था, पेमेंट नहीं हो पाया था, या फोटो अपलोड नहीं हो रहा था, सिग्नेचर नहीं अपलोड हो रहा था, वो सारी प्रक्रिया आप लोग कर सकते हो। कितने
तारीख थे भैया, तो ये चीज आप देख लो 16 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि बताई जा रही है वो 22 अक्टूबर तक ही आप रजिस्ट्रेशन यानी कि कर सकते हो, नया रजिस्ट्रेशन 22 अक्टूबर तक, 16 तारीख से लेकर 22 अक्टूबर तक नया रजिस्ट्रेशन, यानी 6 दिन आपको टाइम दिया गया, फॉर्म बढ़ाया गया, 6 दिन का टाइम दिया गया है फॉर्म में, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 तारीख है, 22 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा नया, 23 तारीख तक जिन लोगों ने 22 को रजिस्ट्रेशन कर दिया उनको पेमेंट करने का मौका 23 तक, और आवेदन की प्रिंट आउट लेने के 25 तारीख तक मौका दिया गया। तो ये शेड्यूल है, वही शेड्यूल है। अब यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, आपको वापस से आ जाना है वेबसाइट पर, ये देखिए यहां पर आना है वेबसाइट पर, और वेबसाइट पे आने के बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहां पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो यहां पर जो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब ओपन हो जाएगा तो आपको यहां पर ये देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे बिल्कुल देखिए यहां पर दिखा रहा है वेट फॉर शेड्यूल विल बी अवेलेबल वेरी सून। जी हां, ये जो वेबसाइट है ये रिफ्रेश हो रहा है, 1 घंटे के बाद में वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस वगैरह पे जारी हो चुका है और बस वेबसाइट जो है रीओपन होने जा रही है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बिल्कुल अब आप लोग साइबर कैफे जा सकते हो, उनका अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दे सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो या फॉर्म कंप्लीट करा सकते हो। कोई भी अधिक सहायता के लिए दोस्तों आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बात कर सकते हो। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देख ले, इस वीडियो को शेयर करते अपने दोस्तों के साथ में, और थैंक्स जरूर लिख देना अगर आपको खुशी हुई हो डेट बढ़ गई है, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक रूप से मिलती रहे, क्योंकि आपको अगर कोई सही दे रहा है तो हमारा चैनल बी टॉपर आपको दे रहा है और आपको पूरी सहायता दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। यहां पर आपको सारी क्लासेस भी देखने को मिलेगी और सारे आगे की अपडेट, जैसे आपका फॉर्म भर जाएगा तो रैंक कब बनेगी, रैंक में कितने रैंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने रैंक पर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, कितनी फीस है, काउंसलिंग कैसे कराना है, कॉलेज कैसे चूज करना है, इन सभी तमाम वीडियो हमारे इसी चैनल पर अपलोड होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को कोई भी गलती हो गई है फॉर्म में तो एक बार दोबारा बताता हूं, बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट टाइम में जब रजिस्ट्रेशन या फॉर्म कंप्लीट हो गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर मेरा DOB गलत हो गया है, ठीक है सर मेरा नाम नेम में स्पेलिंग में गलत हो गया है, या फिर फादर मदर नेम की स्पेलिंग गलत हो गया है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है कि जेंडर ही गलत कर दिया है, यानी जेंडर उनका मेल है फीमेल हो गया है, फीमेल है तो मेल हो गया है, ऐसी सारी समस्याएं आई, बहुत सारे बच्चों का गलती हुआ। तो आपको मैंने बताया था एक वीडियो बनाकर कि यूपी डीएलएड का फॉर्म में करेक्शन की डेट नहीं आती है, करेक्शन नहीं होता है, तो अब जिनका गलत हो गया था वो तो अफसोस में थे कि फॉर्म भी बंद हो गया, करेक्शन भी नहीं आएगा, लेकिन अब एक वापस से ऑप्शन मिल गया आपको कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन ये है कि अगर फॉर्म में गलती हुआ है तो 700 रुपए आपका वेस्ट जाएगा, लेकिन सत्र नहीं बर्बाद जाएगा, ठीक है। साल भर एक साल आपका बेकार जाए, इससे अच्छा है कि वापस से आप नया रजिस्ट्रेशन करिए बिल्कुल सही से और 700 रुपए नया आप पेमेंट करके फिर से फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। जिसमें आपको कोई भी गलती हुई हो उसको सुधार कर लीजिए, नया फॉर्म भर दो, तो जो रिसेंट में उस बच्चे का फॉर्म भरा जाएगा उसी को मान्य करता है PNP, ठीक है। तो ये एक इकलौता ऑप्शन है आपके पास और एक आखिरी अंतिम मौका भी है अपना फॉर्म सही करने का, वरना करेक्शन नहीं आएगा, आपको 700 रुपए लगाकर फिर से नया फॉर्म भर देना चाहिए, यही मैं आपको सलाह दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट में।